नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में, जल संधियां या जल डमरू मध्य। देखिए, जल डमरू मध्य दो बड़े पानी के समूह को जोड़ने का कार्य करता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं दो बड़े भूभागों को अलग करने का कार्य करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, पाक जल डमरू मध्य है, जिब्राल्टर की जल संधि है। आप यहाँ पर देखिए कि जैसे कि ये प्रशांत महासागर है, ओके, है ना, और यहाँ पर देखिए ये है अटलांटिक महासागर। अगर इन्हें हम किसी एक कैनाल या नहर द्वारा जोड़ दें तो पानी का फ्लो प्रशांत महासागर से या तो अटलांटिक महासागर की तरफ होगा या अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर की तरफ होगा। तो ये जो सकरा रास्ता है पानी का, इसे ही हम जल डमरू मध्य या जल संधि कहते हैं, ओके। और जो ऊपरी यहाँ पर हिस्सा देखेंगे आप, जैसे उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका, तो ये दो भूभागों को अलग करने का कार्य भी करती है। तो आपको जल डमरू मध्य समझ में आ गई होगी कि दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ने का कार्य करती है और दो भूभागों को अलग करने का कार्य करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख जैसे कि ये पाक जल डमरू मध्य है जो कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का कार्य कर रही है, और यहाँ पर ये भारतीय द्वीप को और श्रीलंका को अलग करने का कार्य भी करती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो विश्व की हम प्रमुख जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डेविस जल संधि है, हडसन है, और काफ़ी सारी जल संधियाँ हैं जिन्हें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर डेविस जल संधि है। तो डेविस जल संधि किन किन दो सागरों को जोड़ती है, यहाँ पर आप देखेंगे। देखिए, मैं आपको इस मैप की तरफ ले चलता हूँ। बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है डेविस जल संधि, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैप में अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किन किन भागों को जोड़ती है ये डेविस की संधि। डेविस की संधि जोड़ती है बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से, या फिर ऐसे कह सकते हैं बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है ये, ठीक है। और किन किन भागों को अलग कर रही है, किन किन भूभागों को, देखिए बैफिन द्वीप है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और ग्रीनलैंड को अलग करने का कार्य करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे हडसन की जल संधि। हडसन की जल संधि कहाँ पर है, ये देखिए, ये हडसन की खाड़ी है, हडसन इस प्रकार से ये बीच में है, ठीक है। तो ये कनाडा की जो मुख्य भूमि है उसको बैफिन द्वीप से अलग करने का कार्य कर रही है, और ये हडसन की खाड़ी से उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ओके। देन हम देखते हैं फ्लोरिडा की जल संधि। देखिए, फ्लोरिडा की जल संधि कहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये फ्लोरिडा की जल संधि है। किस किस भाग को जोड़ रही है, देखो मैक्सिको की खाड़ी है यहाँ पर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य कर रही है। उसके बाद में हम देखते हैं यूकाटन चैनल, ओके। तो यूकाटन चैनल आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये यूकाटन चैनल है यहाँ पर इस प्रकार से। तो किस किस भाग को ये जोड़ रहा है, मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ रहा है ये कैरेबियन सागर से, ठीक है। तो आपको याद रखना है यूकाटन चैनल है जो मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद में है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि आपको यहाँ से ही दिख रही है, दक्षिणी अमेरिका की जो मुख्य भूमि है, और यहाँ पर एक दक्षिणी अमेरिका का ही कोई द्वीप है उसको अलग करने का कार्य कर रही है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है ये संधि, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में कुछ जल संधियाँ थी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के आसपास, ये पढ़ी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं इसी क्रम में, देखिए आगे यहाँ पर है डेनमार्क की जल संधि। आप डेनमार्क की जल संधि देख लीजिए, देखिए मैं आपको मैप की तरफ ले चलता हूँ। ये देखिए डेनमार्क की जल संधि यहाँ पर है, देखिए ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है, इन दोनों को अलग करने का कार्य करती है। उसके बाद में देखिए इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल लगभग 35 किलोमीटर लंबा है जो कि यूके है, आप देखिए ये यूके है, यूके को अलग कर रहा है फ्रांस से, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो यूके को अलग कर रहा है यूरोप से, ठीक है। और किस किस भाग को जोड़ रहा है, यहाँ पर देखिए ये उत्तरी सागर है उसको जोड़ने का कार्य कर रहा है अटलांटिक महासागर से, और यहीं पर आप देखेंगे डोवर जल संधि भी है। तो यूके और यूरोप के बीच में डोवर की जल संधि भी है, और यहाँ पर इंग्लिश चैनल भी है, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। देखिए ये नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी को यहाँ पर अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है, ये दक्षिणी जो ब्रिटेन है और ये फ्रांस है यहाँ पर इनके बीच में, और यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए ये डोवर जल संधि है, ठीक है। उसके बाद में जिब्राल्टर जल संधि की बात करेंगे। जिब्राल्टर जल संधि है जो कि भूमध्य जो सागर है उसको अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य करता है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं क्योंकि ये जाने का यहाँ पर रास्ता है, काफी महत्वपूर्ण है ये जिब्राल्टर की जल संधि, ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे मोजाम्बिक चैनल।
जो कि मोजाम्बिक चैनल है, कहाँ पर, ये देखिए मेडागास्कर और मोजाम्बिक को यहाँ पर अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये मोजाम्बिक चैनल देख सकते हैं आप, ये हार्मुज की जलसंधि है, कहाँ कहाँ पर है ये देखिए, ये फारस की खाड़ी और यहाँ पर है ओमान की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है ये हार्मुज की जलसंधि, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे बाब अलमदेव, ठीक है, बाब अलमदेव जलसंधि है, जिसे हम आंसुओं का द्वार भी कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, बाब अलमदेव जो जलसंधि है उसे आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। किस किस को जोड़ रहा है ये देखिए, लाल सागर को यहाँ पर अदन की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करती है ये संधि, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं हार्मुज जलसंधि और बाब अलमदेव जलसंधि में। जो बाब अलमदेव जलसंधि है वो किस किस को जोड़ती है, यहाँ पर फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी को जोड़ती है ओमान की खाड़ी से, ठीक है। और बाब अलमदेव जलसंधि है वो लाल सागर को जोड़ती है अदन की खाड़ी से, जिससे कि यहाँ पर आंसुओं का द्वार भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, देखिए यहाँ पर है हार्मुज जलसंधि, ठीक है, ये फारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी है, यहाँ पर जोड़ती है क्योंकि ओमान देश है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे बाब अलमदेव जो जलसंधि है वो लाल सागर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और लाल सागर को किससे जोड़ रही है, अदन की खाड़ी से, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं लाल सागर को अरब सागर से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, हम देखिए यहाँ पर आप डिटेल से देख लीजिए, देखिए यूके का मैप है, ठीक है, और यहाँ पर ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंग्लिश चैनल यहाँ पर है, जो दक्षिणी यूके है यहाँ पर, ठीक है, साउथ में दक्षिणी यूके, और फ्रांस का जो उत्तरी हिस्सा है उसको अलग करने का कार्य कर रहा है इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने मैप को जूम करके आपको दिखाया गया है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए कुक जलडमरू मध्य, ठीक है, कुक जलडमरू मध्य ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के जो उत्तरी हिस्सा है, न्यूजीलैंड को दक्षिणी हिस्से से अलग कर रहा है, ठीक है, उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड से अलग करती है कुक जलडमरू मध्य, आपको याद रखनी है। बॉस जलडमरू मध्य, जो बास जलडमरू मध्य है या बास स्टेट है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर तस्मानिया है, ठीक है, तस्मानिया को अलग कर रही है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, समझ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जो द्वीप को अलग कर रही है ये जलडमरू मध्य किससे, दिख बास स्टेट अलग कर रही है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे टॉरस जलसंधि है, टॉरस जलसंधि आप देख लीजिए यहाँ पर, देखिए मैप की तरफ आपको ले चलता हूँ मैं, यहाँ पर है टॉरस जलसंधि, देखिए न्यू जो गुयाना द्वीप है उसको अलग करने का कार्य करती है ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए आपको दोनों को याद रखना है, टॉरस जलसंधि है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है और बास स्टेट है वो ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सुंडा जलसंधि, सुंडा जलसंधि ये देखिए, ये सुंडा द्वीप है, ठीक है, सॉरी ये जावा द्वीप है और ये सुमात्रा द्वीप है और यहाँ पर ये, ठीक है, जावा सागर है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जो जावा और सुमात्रा द्वीप को अलग करने का कार्य करती है ये सुंडा जलसंधि, ठीक है, और ये जावा सागर है आप देख पा रहे हैं, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य करती है सुंडा जलसंधि, ओके। तो आप यहाँ पर मैप में देख लीजिए, देखिए ये जावा सागर है, ठीक है, और ये जावा द्वीप है और ये सुमात्रा द्वीप है और यहाँ पर आप ये जलसंधि देखेंगे सुंडा जलसंधि। तो जो सुंडा जलसंधि है जावा सागर को जोड़ती है हिंद महासागर से, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो जावा और सुमात्रा द्वीपों को अलग करने का कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर मलक्का जलसंधि, देखिए मलक्का जलसंधि आप देख लीजिए यहाँ पर है मलक्का जलसंधि। तो मलक्का जलसंधि किस किस के बीच में हो गई आपको पता चल रहा है, यहाँ पर जो सुमात्रा और यहाँ पर मलाय जो पेनिनसुला है उन दोनों को अलग करने का कार्य कर रही है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो जावा सागर है और यहाँ पर आप देखेंगे अंडमान सागर है, क्योंकि हमारे भारत के यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप हैं, तो जावा सागर को अंडमान निकोबार द्वीप से जोड़ने का कार्य कर रही है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मलक्का जलसंधि है वो अंडमान जो सागर है उसको जोड़ने का कार्य कर रही है साउथ चाइना सी से, ठीक है, ऐसे साउथ चाइना सी का हिस्सा भी कहा जाता है, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं अंडमान सागर की जगह यहाँ पर बंगाल की खाड़ी भी कह सकते हैं, ओके। तो आगे हम देखते हैं इसी क्रम में, आगे आप देखेंगे कि जो ताइवान स्टेट है, यहाँ पर ताइवान स्टेट देखेंगे और ये देखिए ताइवान स्टेट, यहाँ पर ये ताइवान है, यहाँ पर देखिए ये ताइवान है, ठीक है, ताइवान और ये देखिए ये ताइवान है और ये चीन का हिस्सा है, तो ताइवान और चीन को अलग करने का कार्य कर रही है ये ताइवान स्टेट, यहाँ पर आप मैप में देखेंगे ये देखिए ये ताइवान है, ठीक है, और यहाँ पर है ताइवान स्टेट, ठीक है। तो ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ने का कार्य कर रही है और ताइवान को अलग करती है चीन से, ओके। तो आपको याद रखना है कि ताइवान स्टेट के बारे में। उसके बाद में है सुगारू स्टेट, सुगारू स्टेट देख लीजिए एक सेकेंड, ये देखिए सुगारू स्टेट यहाँ पर है,
सुगारू स्टेट आप देखेंगे, सुगारू स्टेट जापान में है। जापान के जो देखिए ये होकेडो द्वीप है और ये होन्सू द्वीप है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को अलग करने का कार्य करती है सुगारू स्टेट। तो आपको याद रखना है सुगारू स्टेट होकेडो द्वीप जापान का और होन्सू द्वीप को अलग करने का कार्य करती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो सी ऑफ जापान है, जापान सागर को यहाँ पर जोड़ने का कार्य कर रही है। किससे बताइए? प्रशांत महासागर से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक कोरियन स्ट्रेट भी है, कोरिया जलसंधि भी है, जो किस किस के बीच में, ये देखिए यहाँ पर ये दक्षिणी कोरिया और जापान, जो जापान है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, और किस किस को जोड़ने का कार्य कर रही है, ये जापान सागर को यहाँ पर ईस्ट चाइना सी से जोड़ने का कार्य कर रही है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, देखिए ये कोरियन पेनिनसुला है, यहाँ पर दक्षिणी कोरिया है, ये उत्तरी कोरिया है, और यहाँ पर ये जापान है। ठीक है, तो किस किस को अलग कर रही है, ये कोरिया की जो जलसंधि है, कोरिया की जलसंधि जापान को अलग कर रही है कोरिया से, और किन किन को जोड़ रही है, जापान सागर को जोड़ रही है ईस्ट चाइना सी से। ठीक है, तो आपने यहाँ पर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जलसंधियाँ पढ़ी। ठीक है, तो उसके अलावा भी शायद कुछ बची होंगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो जलसंधियाँ थी हमने पढ़ ली। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे होकेडो द्वीप है, होन्सू है, क्यूसी है और सिकोकू है। ठीक है, तो जापान के जो द्वीप हैं आपको ये भी याद रखने हैं उत्तर से दक्षिणी क्रम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। और यहाँ पर एक स्ट्रेट और बाकी है, बैरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो बैरिंग स्ट्रेट यहाँ पर देखिए ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो बैरिंग स्ट्रेट किस किस को जोड़ रही है, आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं साइबेरिया को अलास्का से जोड़ने का, सॉरी साइबेरिया को अलास्का से अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये बैरिंग स्ट्रेट भी आप याद रख इस बारे में। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये काला सागर है, काला सागर, ये देखिए ये काला सागर है, और काला सागर के ऊपर ही यहाँ पर सी ऑफ अजोव है। ठीक है, तो सी ऑफ अजोव को काले सागर से जोड़ने के लिए स्ट्रेट ऑफ कर्च, कर्च की जलसंधि है यहाँ पर, ये कर्च की जलसंधि है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है स्ट्रेट ऑफ कर्च है जो अजोव सागर को काले सागर से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, और काले सागर के ही जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर है मरमरा सागर। ठीक है, तो मरमरा सागर है और यहाँ पर काला सागर है, तो काले सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का कार्य करती है बॉस्पोरस जलसंधि। ठीक है, तो आपको याद रखना है बॉस्पोरस जलसंधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का कार्य करती है। और यहाँ पर देखेंगे सी ऑफ मरमरा है, और नीचे आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे एजियन सागर है, तो एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ने के लिए डार्डेनल्स की जो जलसंधि है वो काम आती है। डार्डेनल्स स्ट्रेट है जो एजियन सी को सी ऑफ मारमारा से जोड़ती है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा भूडमरू मध्य भी आप पढ़ सकते हैं, भूडमरू मध्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भूडमरू मध्य क्या होता है, भूमि की एक पतली पट्टी होती है जो दो बड़ी जलराशियों को अलग करती है। ठीक है, और दो बड़े भूभागों को जोड़ने का कार्य करती है। इसका मतलब ये है कि जलडमरू मध्य का जस्ट अपोजिट है ये। ठीक है, जैसे कि पनामा भूडमरू मध्य है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं अंध महासागर या अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। स्वेज भूडमरू मध्य है जो कि किसको, एशिया को अफ्रीका से जोड़ती है। तो आपको ये याद रखने, जलडमरू मध्य का जस्ट अपोजिट होता है। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वेज और पनामा, ठीक है, जो भूडमरू मध्य हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर पनामा भूडमरू मध्य है और यहाँ पर स्वेज भूडमरू मध्य है। ओके, तो हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने की कोशिश की। आप ब्लैंक मैप लें और इन्हें फिल करने की कोशिश करें, कौन कौन से यहाँ पर जैसे खाड़ी हैं, कौन कौन सी स्टेट हैं। जब आप फिल करने की कोशिश करेंगे तो आप में, आपके दिमाग में ये चीज़ें परमानेंट हो जाएंगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।